हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल रूपरानी ऑसम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे हो। आप लोग सोच रहे हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो हाँ गाइस, मैं कानपुर से मैं जा रही हूँ न्यू दिल्ली। आप देख सकते हैं आगे ब्लॉग में, देखिएगा आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। और देखिए कानपुर का लास्ट मोमेंट, कुछ कानपुर की कुछ लास्ट यादें। और कानपुर बहुत अच्छा था और मैं प्रॉपर कानपुर में ही रहती थी। ये देखिए कानपुर के स्टेशन की वीडियो है, ट्रेन जब चल रही थी तब मैंने वीडियो बनाया था, कुछ इस तरह से है। और प्लीज़ अगर हमारे मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर साथ में कमेंट कीजिएगा जरूर, आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और जो भी न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर आप लोग इंजॉय कीजिए वीडियो देख के। और कानपुर से हम न्यू दिल्ली शिफ्ट कर लिए हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से। और ये देखिए अब मेरी सामान पैकिंग हो गई थी, आप देख सकते हैं ये पैकिंग हो गई थी मेरी कुछ इस तरह से। और ये देखिए मेरे बस पे ये सामान आया था ट्रक पे, मैंने हमारे तो ट्रक पे ना सामान लोड हो रही तब का मैंने वीडियो बना रखा है। और फाइनली ये मेरा लास्ट रूम है, मतलब लास्ट बार ही रूम को आप देख लीजिएगा। यही रूम से मेरा यूट्यूब मेरा चैनल स्टार्ट हुआ है, तो मेरे लिए तो ये रूम बहुत लकी है। और मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये किचन रूम था मेरा। और ये देखिए कानपुर की लाल बंगले मार्केट कुछ इस तरह से होती है। और ये लाल बंगले मार्केट थी, मैं सोची छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ ताकि हर टाइम ना यूट्यूब पे सेव हो जाता है वीडियो, और फिर याद करके सोचे कि हम पहले फर्स्ट टाइम कैसे निकले थे। कुछ इस तरह से जाते हैं कानपुर से। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से है। और मैं जब आ रही थी ना कानपुर से, काफ़ी मतलब सैड थी क्योंकि हम 4 से 5 साल से रह रहे थे ना कानपुर में, तो फिर वहाँ पे दिल लग जाता है। और फिर लगभग मैं 4.5 साल रही थी कानपुर। कानपुर की लास्ट मार्केट का व्यूज है कुछ इस तरह से, देखिए अब। और ये देखिए अब हम आ गए ट्रेन पकड़ने के लिए, तो हमारी ट्रेन यही थी कानपुर से नई दिल्ली कुछ इस तरह से। और ट्रेन पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा था। और ये हैं दोनों मेरे बच्चे, और दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ट्रेन के इस तरह से। और ये देखिए सब हाय बोल रहे हैं, और पूरे हम सेफ्टी से आए हुए थे, हाथ में सैनिटाइज था और मास्क सब यूज़ किए थे हम लोग। देखिए इस तरह से मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। और देखिए मेरे फेस का पूरी तरह से बैंड बच चुका है, क्योंकि मैं 15-20 दिन से ना पैकिंग नहीं कर रही थी और बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी थी पैकिंग करते करते। आप देख सकते हैं मेरे फेस से, आपको पता चल जाता होगा। और ये रहा लास्ट व्यूज़ कानपुर की, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे स्टेशन पूरी तरह से क्लीन था, बिल्कुल साफ सुथरे थे। एक तो बात है कोरोना वायरस की वजह से ना स्टेशन हर जगह काफ़ी साफ सफाई हो गई है। अब कोरोना हमारे लिए अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों बोल सकते हैं। एक तरीके से तो हुआ ना कि सफाई अच्छी तरह से हो रही है हर जगह ना, बिल्कुल साफ सुथरे का ध्यान दिया जाता है, ना कहीं कोई थूक सकता है ना कहीं कुछ कर सकता है, तो उसके लिए अच्छा है। और ये देखिए फाइनली मैं आ गई न्यू दिल्ली। ये मॉर्निंग का टाइम था और हम जा रहे थे गुला पकड़ने के लिए ना, तो जस्ट मैंने वीडियो लिया था। ये देखिए फाइनली मैं आ गई न्यू दिल्ली, इसके आगे का ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। बाय गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग।